तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कर रहे हैं। तो अगर प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पी द कर्व पोर्शन सेमी सर्कल ऑफ द टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब यहाँ पर एक ऐसे वायर है, एक सीधा वायर है, फिर आके यहाँ पर ये यहाँ पर आके यहाँ ऐसे मुड़ा है, फिर यहाँ से ऐसे सीधा हो गया है। तो अगर यहाँ इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है, तो यही आई यहाँ और यही आई यहाँ, तो ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी वो सर्कम, ये हाफ सर्कल है तो सेंटर है हाफ सर्कल का। तो ये जो पार्ट है, ये जो सीधा पार्ट है, इस पार्ट को मैं ए और बी, ये इन्फिनिटी से आ रहा है और ये भी सेमी इनफाइनाइट है, तो इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी वन, जो ये जो सेमी सर्कल है, जो सेमी सर्कल ए बी है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी टू, और ये बी से इन्फिनिटी पे गया है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी थ्री, और सबका डायरेक्शन कोइंसिडेंट अपवार्ड है, मतलब बी थ्री तो जीरो है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इन सबका सम होता है, वेक्टर सम बी टू बी थ्री। तो यहाँ जो बी थ्री है वो क्या है, जीरो। जब कभी भी जो पॉइंट होता है वायर के स्ट्रेट लाइन वाले पाथ पे आता है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो बी वन प्लस बी टू का सम और नेट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड है, तो इसलिए मैंने दोनों को निकाल गया। अब बी वन की वैल्यू निकालो सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल का क्या होता है, म्यू नॉट आई 4 पाई, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये दिया होगा यार, हाँ हेलो, हाँ दिया है, अरे यार भाई दिया तो है, स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर, तो ये sin 90 और प्लस sin 0, आई होप कि आपको पता होगा sin 90 मतलब ये वाला एंड यहाँ पे, ये एंगल जीरो है, और जो इन्फिनिटी पे है वो पॉइंट पी से इन्फिनिटी वाला एंड 90 एंगल बनाता है, तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई 4 स्मॉल आर, ये किसका भाई, पहले वाले का है, दूसरे वाले सेमी सर्कल का, तो पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो म्यू नॉट आई 2 आर, तो आधे सर्कल का 1/2, तो म्यू नॉट आई इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4 आर। तो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा उसकी वैल्यू मुझे जो दिखने लगेगी बी नेट, तो वो अगर देखोगे तो म्यू नॉट आई यहाँ से 4 पाई आर, और यहाँ से प्लस म्यू नॉट आई यहाँ से 4 आर, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई 4 आर यहाँ से, तो 1/π + 1, तो 1/π + 1, तो 1/π + 1 म्यू नॉट आई। अब यहाँ से एक्चुअली इन्होंने 2 को भी अंदर रखा है, तो यहाँ से मैं भी एक 2 को यहाँ से निकालता हूँ 2 आर, और 1/2π + 1/2 के टर्म में लिख देता हूँ, तो 1/2π + म्यू नॉट आई 2 आर 1/2π, मतलब सी ऑप्शन सही है, बाकी सारे यहाँ गलत हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आसान सवाल था।